हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी और क्विक पपाया स्मूदी रेसिपी, जिसे कि आप अपने वेट लॉस डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पपाया लिया है। पपाया में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एक फाइब्रस फ्रूट है और इसमें बहुत कम कैलोरीज होती है। पपाया वेट लॉस में हेल्प करता है, फैट को बर्न करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बनाना, जिन्हें कट कर लिया है। तो बनाना में हाई फाइबर्स होते हैं और लो कैलोरीज होती है। इसमें पोटेशियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज और फाइबर्स होते हैं। तो बनाना भी वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हमें ज़रूरत होगी 1/2 कप पानी की। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 3/4 कप मिल्क, 4 टेबल स्पून्स ऑफ कर्ड। कर्ड वेट लॉस के लिए बेस्ट है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन, कैल्शियम और अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ हनी। हमें नॉर्मल शुगर ऐड नहीं करनी है, आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं या फिर हनी। तो यहाँ पर मैं हनी ले रही हूँ। तो अब मैं इन सब चीज़ों को जार में ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी हम इसमें मिल्क ऐड नहीं करेंगे, मिल्क को हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये एक हेल्दी और फिलर स्मूदी है। इसे पीने के बाद में आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती है और ये आपको दिन भर एनर्जेटिक भी रखती है। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं इसे। तो ग्राइंड करने के बाद में ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और इसी के साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ वाटर। तो दोबारा से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। इट इज़ टोटली ऑप्शनल एंड अगेन वी विल ग्राइंड इट। तो आवर हेल्दी पपाया स्मूदी इज रेडी टू सर्व। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी हेल्दी एंड वेट लॉस पपाया स्मूदी इज रेडी। इसे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिए। So let's meet in my new video with new recipe. Till then, bye-bye.